पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में निकाय चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारियां जोर शोर के साथ कर रही है। निकाय चुनाव में जुटी आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद में अपने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल तक मेयर और सभी पार्षदों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस दौरान रुहेलखंड प्रांत के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। सभी अपने बायोडाटा जमा करते हुए नजर आए, तो वहीं रुहेलखंड प्रांत के प्रांत अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हैं और सभी वार्डों पर चुनाव पार्टी जोर शोर के साथ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनाव प्रदेश की नगर की, महानगर की और नगर पंचायत की साफ सफाई का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि सफाई झाड़ू से अच्छी कोई नहीं करता है। तो आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता मौका देने जा रही है। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। क्योंकि लंबा समय नहीं बचा है और अभी तक सूची जारी नहीं है, क्या आज मुरादाबाद नगर निगम के 24 वार्डों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है, जिसमें से मैं कुछ प्रत्याशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने कुंदरकी के नगर पंचायत चेयरमैन की सूची जारी की है, वहाँ के सभासदों की सूची जारी की है। हमारे बीच में बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए थे, कुछ सीटों पे कई लोगों ने आवेदन किए थे। उनका उस वार्डों का सर्वे कराया गया। सर्वे कराने के बाद हमने चुनाव समिति उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट भेज दी है। जैसे वहाँ से नाम फाइनल होते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ जारी करते जा रहे हैं। वार्ड 56 से हमने आमिर का नाम फाइनल किया है, 69 से राबिया, 63 से रेहान, 62 से नाजिम, 49 से तहसीन। इस तरीके से हमने पूरे आज 24 की करी है, बची हुई कल हम जारी कर देंगे। हमारी पार्टी काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा इतनी डिले हुआ चुनाव, इसका असर हम पे नहीं पड़ा। हमारी पूर्ण तैयारी है चुनाव की, और जिस तरीके से हमने दिल्ली में, पंजाब में चुनाव लड़ा झाड़ू को लेकर, हमारा जो निशान है सफाई का, वार्ड में निकाय में मेन काम होता है सफाई का, और हमारा निशान ही झाड़ू है। और झाड़ू की सफाई के लिए हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नेंस ने जैसे जिस तरीके से काम करा है जनता को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसी तरीके से निकाय में हमारा बिजली हाफ थी वहाँ दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में भी हमने हाउस टैक्स हाफ और पानी माफ़ करने का प्रोग्राम बनाया। इस मुद्दों को लेकर हम यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मुरादाबाद जनपद की बात करें तो अभी तक कैंडिडेट मुरादाबाद में हमने अभी आज 24 वार्डों की लिस्ट जो है वो फाइनल कर दी है, वो आज प्रकाशित दे दी जाएगी आप पत्रकार बंधुओं को। और एक नगर पालिका कुंदरकी से हमने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, उनकी तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही हम आपको एक अचंभित करने वाले आंकड़ों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन करने जा रही है। लगभग कितने वार्डों पर चुनाव होगी? हमारी उम्मीद पूरी 70 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने की है, और उसमें से हमें 75% उम्मीदवार हमें मिल गए हैं, और हम आने वाले कल में पूरी घोषणा कर देंगे। और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, निकायों में चरम पे है, पानी की निकासी नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और उन चीज़ों को लेकर हमारा प्रत्याशी उसी काम को लेकर करेगा। मोहल्ला क्लिनिक अगर हमारे प्रत्याशी, हमारा मेयर अगर मुरादाबाद से कहीं से भी जीतता है, दिल्ली की तर्ज पर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रयास करेंगे। जो निकाय के फंड आते हैं उनका ईमानदारी के साथ, जनता का पैसा जिस तरीके से जनता का पैसा सरकार के पास जाता है, उस जनता को फायदा उनके टैक्स का दिया जाए। पार्टी के लोगों ने भी आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है? देखिए, अदर पार्टियां जो भी हैं, हमारे पास जो आवेदन आ रहे हैं हम साफ सभी वाले, कोई भ्रष्टाचारी ना हो, किसी पे कोई क्रिमिनल ना हो, हम देख के काम कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी की विचारधारा उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। हमें साफ सुथरा प्रत्याशी मिलेगा, दूसरी पार्टी से भी अगर कहीं से आता है हमारी पार्टी में शामिल होता है, कुनबा बढ़ता है। हम मगर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे उसका, पिछला रिपोर्ट चेक करने के बाद आम आदमी पार्टी में उसे ज्वाइन करेंगे। कल तक अपनी बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।